नमस्ते जी, मेरा नाम है कमलेश शर्मा। स्वागत है आपका द कमलेश बेंजो के इस सॉन्ग ट्यूटोरियल के वीडियो में, जिसमें हम स्टेप बाय स्टेप नागिन धुन को बजाना सीखेंगे। सबसे पहले ट्यूनिंग की बात कर लेते हैं। ट्यून मैंने बेंजो को किया हुआ है ओपन सी शार्प फोर्थ ऑक्टेव के ऊपर और बेस तार सी शार्प थर्ड ऑक्टेव के ऊपर। ओपन ट्यूनिंग का मतलब बिना किसी बटन को दबाए हुए बजने वाला सुर, ठीक है। हालांकि मैं 6 नंबर बटन से शुरू कर रहा हूँ, 1 2 3 4 5 6, तो जो 6 नंबर बटन है वो जी नोट हो रहा है, तो उसी के अकॉर्डिंग मैंने झाला को ट्यून कर लिया है। आसान तरीके से नागिन धुन को बजाना सीखते हैं। तो सबसे पहले 1 2 3 4 5 6 7 8 8 नंबर बटन से नागिन धुन की हम शुरुआत करेंगे। स्टेप बाय स्टेप धीरे धीरे देखते हैं। सबसे पहले लेफ्ट हैंड के ऊपर बटन के ऊपर आप ध्यान दीजिएगा, फिर तार को किस तरीके से बजाना है और वीडियो के अंत में दोनों को एक साथ कैसे बजाना है। सेम चीज बेस तार के साथ बजा लीजिए, मतलब बेस तार को ही स्ट्रोक करिए, राइट हैंड की तरफ ध्यान दीजिएगा। जो बीच में गैप आता है एक धुन से दूसरी, मतलब बार बजाने के बीच में, तो उसके बीच में आप झाला को ट्यूनिंग किए हुए को स्ट्रोक कर सकते हो, ठीक। वो बहुत प्यारा लगता है। अब दोनों तारों को साथ में बजाइएगा तो और भी अच्छा साउंड आ रहा है। अब एक बार उंगलियां देख लेते हैं किस प्रकार से चल रही है। बेंजो को इस तरीके से एक एक उंगली से कभी भी मत बजाइएगा, क्योंकि इसमें बेसिकली होता कैसे है, जब भी आप छोड़ेंगे तो वो ओपन का साउंड आ जाएगा, तो खराब लगेगा। मैं आपको बता रहा हूँ इस वीडियो में कि किस तरीके कौन से बटन का यूज़ हो रहा है, इसलिए मैं आपको वन फिंगर से बता रहा हूँ। उसमें भी आवाज़ बहुत अजीब आ रही है, लेकिन आप एक बार जैसे समझ में आ जाए तो पूरे अपने हाथों का ही प्रयोग करिएगा। इस तरीके से आपने जो मेन धुन है उसको तैयार कर लिया है। अब हालांकि अगर आपको बेंजो अगर आपके पास है और आप सीख रहे हो तो बहुत बढ़िया बात, लेकिन अगर आपके आप बेंजो लेने की सोच रहे हो तो हम बेंजो भी मैन्युफैक्चर करते हैं, द कमलेश बेंजो, जो कि आप देख सकते हो यहाँ पे भी रखे हुए हैं। अलग अलग कलर में अवेलेबल है, अलग अलग वेरियंट में अवेलेबल है। कैश ऑन डिलीवरी की सुविधा भी अवेलेबल है। आप जब घर पर पहुँचे तब आप वाया कैश ऑन डिलीवरी बेंजो को रिसीव कर सकते हो। साथ ही साथ आपको बेस्ट क्वालिटी बेंजो 14 स्ट्रिंग 29 कीज़ का विथ एसेसरीज आपको जो बेंजो है मिल जाता है अलग अलग प्राइस रेंज में। ज़्यादा जानकारी के लिए जो ऊपर आपको स्क्रीन के ऊपर व्हाट्सअप नंबर शो हो रहे हैं वहाँ पे आप हेलो लिखिए और अपनी रिक्वायरमेंट लिखिए, डेफिनेटली आप देख सकते हो। बाकी आप वेब के ऊपर चेक कर सकते हो डायरेक्ट द कमलेश बेंजो डॉट कॉम, जहाँ पे भी आप हमारे बेंजो की जानकारी देख सकते हो, ठीक है। चलिए अब शुरू करते हैं फिर से अपना ट्यूटोरियल का अगला पार्ट। इसमें मुर्कियों का यूज़, मतलब कर्ण सुरों का यूज़ है। मुर्कियाँ माफ़ कीजिएगा, कर्ण सुरों का मतलब एक बटन को दबाने के साथ में उसको दबाए रखिए और दूसरे बटन के ऊपर हल्का मात्र टच करिए, ठीक है, तो उसे कर्ण स्वर कहते हैं। तो इस वाले पार्ट में कर्ण सुरों का यूज़ है। एक बार सिंपल बजाते हैं फिर कर्ण सुरों के साथ। लेकिन कर्ण सुरों के साथ ज़्यादा सुंदर लग रहा है, तो एक बार धीरे धीरे देखिए। सेकेंड पार्ट, बहुत सुंदर। तो इस प्रकार से आप अब मेरे साथ में बजाइए पूरी धुन को। नागिन धुन में बहुत सारे वेरिएशन है,
हमने मात्र दो लाइनें सीखी, बाकी के बहुत सारे वेरिएशन आप खुद ब खुद इसके ऊपर प्रैक्टिस कर सकते हो और आसानी से सीख सकते हो। इस वीडियो में इतना ही, आशा है आपने इस वीडियो से जरूर कुछ ना कुछ सीखा होगा। इसी प्रकार के और वीडियोस के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। आपको नेक्स्ट वीडियो कौन से सॉन्ग के ऊपर चाहिए उसका आप मेरे को कमेंट करके बताइए, डेफिनेटली मैं कोशिश करूँगा। मिलता हूँ अगले वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्ते।